चलो स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजु हब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस देखे थे, अब उसी को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है इंटीग्रेशन हमें निकालना है sec स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x डी, यानी कि इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। स्टूडेंट्स, ऐसा हमने कोई फॉर्मूला नहीं देखा था, इसका मतलब इसको हमें किसी ना किसी में चेंज करना होगा। इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट भी है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, उस तरीके से भी हो जाएगा। उसके अलावा अगर इसको टेन और कोट में चेंज करेंगे तो भी ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो चलो साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले इसको आई इज इक्वल टू लिखते हैं sec स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x इंटू dx। अब इसको साइन कोस में चेंज करेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, या फिर इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू में 1 अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू dx। तो ये क्या बन गया, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे भी हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लग रहा है जो आपने याद किए थे। तो अब हम इसमें देखो एक की जगह क्या लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है। तो हम 1 की जगह ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, चलो रखते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x डिवाइड बाई, नीचे क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x इंटू में dx। चलो अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब हम इसमें इसको दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे ही अलग अलग करेंगे देखो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, नीचे कोस स्क्वायर x बच जाएगा, और यहाँ से कोस कैंसिल हो जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर x बच जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x, फिर प्लस कोस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x, ये बन गया है इंटू में dx। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, ये देखो साइन स्क्वायर x से साइन स्क्वायर x आपका कैंसिल हो रहा है, इधर कोस स्क्वायर x से कोस स्क्वायर x आपका कैंसिल हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या बच गया है, i इज इक्वल टू जो चल रहा था वहाँ पे बचा है 1 अपॉन कोस स्क्वायर x इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोस स्क्वायर x, बीच में प्लस है, और यहाँ पे क्या बच गया आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, ये बच गया इंटू में dx। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर x, ये बन जाएगा आपका sec स्क्वायर x, और ये क्या बन जाएगा प्लस cosec स्क्वायर x इंटू में dx। अब देखो हम दो फंक्शन है इनको अलग अलग कर सकते हैं तो अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx, ये बन गए हैं। अब स्टूडेंट्स आपको ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले दिखाई दे रहे होंगे तो इनका डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे i इज इक्वल टू इसका तो हो जाएगा 10x, प्लस में यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस का कोट एक्स, और प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट। अगर हम अलग अलग लगाएं तो यहाँ पे सी वन इसके लिए और यहाँ पे सी टू, तो दोनों सी वन और सी टू की जगह क्या लिख सकते हैं, ओनली सी। तो अलग अलग भी लिख सकते हो या फिर एक बार ही लिख दो कांस्टेंट, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, आई इज इक्वल टू 10x माइनस कोट एक्स प्लस सी, ये हो गया है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स आपको एज ए होमवर्क करना है, घर पे करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और x की पावर n का इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको घर पे खुद से करना है उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये है a की पावर x, और यहाँ पे देखो डी ए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सस्पेंस लगेगा अगर मैं इसको लिख दूँ ए की पावर एक्स डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो इंटीग्रेशन हमें करना है वो एक्स के रेस्पेक्ट में करना है,
और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करना है वो किसके रेस्पेक्ट में करना है, ए के रेस्पेक्ट में करना है, इसका अंतर है। तो क्वेश्चन दोनों अलग हो गए हैं बिल्कुल, ये डिफरेंट क्वेश्चन है और ये डिफरेंट क्वेश्चन है। चलो इसको करके बता देते हैं। सबसे पहले तो ए की पावर ए क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट, ए की पावर एक्स डी एक्स, तो ए की पावर एक्स का तो सीधा ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास, क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स, अगर इसको आई मानते हैं तो ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस में सी, सीधा सीधा ये आंसर हो गया एक ही स्टेप में। लेकिन ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ए के में, तो ए को थोड़ी देर के लिए क्या मान ले, एक्स मान ले, तो एक्स की पावर ये कुछ और है ए, और यहाँ पे डी एक्स, तो इसका कैसे करोगे, एक्स की पावर एन दिखाई दे रहा है आपको, ये कोई रियल नंबर है आपका, तो इसी तरीके का एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला इसमें लागू होगा, क्योंकि एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन डी एक्स क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस में सी, ये होता है। तो इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें घुमाया हुआ है, यहाँ डी एक्स की जगह डी ए गिवन कर रखा है, तो आपको लेट करना पड़ेगा, ए की जगह ए को आप एक्स मान करके और फिर इंटीग्रेशन करोगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे आई इज इक्वल टू हम इसको मान रहे हैं ए की पावर एक्स डी ए, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस में सी, ये हो जाएगा यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन। बहुत ही सिंपल सा दिखने वाला क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे डी ए की वजह से गड़बड़ हो गई है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन ऑफ डी एक्स, यानी कि जो फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऐसा कोई फंक्शन हमने फॉर्मूलों में नहीं पढ़ा है, तो इसका डायरेक्ट तो हम इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ इसमें चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज क्या होगा वो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आई के इक्वल में इसको हम मान लेते हैं, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे प्लस वन और माइनस वन कर दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक नम वन हम ऐड कर रहे हैं और सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो हम कर लेते हैं, तो यहाँ पे इक्वल टू क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब देखो इसको हमें एक साथ लेकर के ओपन कर लेता हूँ और इसको अलग से, तो अलग अलग हम कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन और यहाँ पे माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में एक्स के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये लगा दिया हमने। अब ये देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो वन हो गया यहाँ पे और ये बच गया है आपका, तो इनको अलग अलग कर लेते हैं। चलो यहाँ पे क्या हो गया, इंटीग्रेशन वन माइनस बाहर और यहाँ पे सॉरी डी एक्स भी आएगा, यहाँ पे माइनस बाहर और यहाँ पे वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन को वन का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू में डी एक्स। अब यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि दोनों इंटीग्रेशन हमने फॉर्मूले में पढ़े हुए हैं, तो नेक्स्ट इधर समझा देता हूँ मैं आपको, वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो वन को आप क्या लिख सकते हैं एक्स, अगर आप चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में देखो वन को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं इंटू डी एक्स और माइनस, ये देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है किसका है, ये है टेन इनवर्स एक्स का, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ही कर सकते हो इसका, तो टेन इनवर्स एक्स और प्लस में आप सी लगा सकते हो, या फिर चलो इसका भी नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे एक साथ ही, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो इसका एक्स की पावर एन से डेरिवेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन, तो ये बन गया एक्स की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन, और ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है किसका, टेन इनवर्स एक्स का, तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस में हमने इंटीग्रल कॉन्स्टेंट ले लिया है, तो क्या बन गया आई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन, तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, जो कि आपका आंसर है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके सामने है, इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में तो ऐसा कोई नहीं देखा होगा आपने, तो इसका मतलब इसको थोड़ा बहुत हमें चेंज करना पड़ेगा, तो क्या चेंज कर सकते हैं इसमें जिससे कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला टाइप बन जाए। तो सबसे पहले तो आई के इक्वल मान लेते हैं कोस स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस
साइन एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर एक्स है, अगर इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलो लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ये क्या हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स की जगह लिख लिया है आप, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब देखो इसको मल्टीप्लाई में यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपोन 1 प्लस साइन एक्स इंटू में डी एक्स, ये हो गया है आपका। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स नीचे और 1 प्लस साइन एक्स दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं, तो ये दोनों कैंसिल होते हैं तो यहाँ पे क्या बच गया, नीचे तो कुछ भी नहीं 1 बच गया और ऊपर 1 माइनस साइन एक्स। तो I इज इक्वल टू जो चल रहा है वो क्या हो गया 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। स्टूडेंट्स अब देखो ये दो फंक्शन है, एक तो 1 और एक साइन एक्स, तो इनका हम अलग अलग कर लेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए। तो इनको अगर हम अलग अलग करेंगे तो देखो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स फिर माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। अब देखो 1 का जो इंटीग्रेशन वो क्या हो जाएगा, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि x की पावर 0 से कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन ये तो जाएगा x यहाँ पे माइनस। अब देखो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको पता है स्टूडेंट्स जो cos x है उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है माइनस साइन x, तो साइन x का माइनस cos x हो जाएगा जो इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे माइनस का cos x प्लस में कॉन्स्टेंट c, तो I इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास x प्लस cos x प्लस में c, ये निकल करके हमारे पास आया है जो कि आपका इसका इंटीग्रेशन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको सोल्व करते हो तो, और विदाउट सोल्व करें ये समझ में सही से नहीं आएगा। आप जितना ये सिंपल दिख रहा है आप इसके घर पे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कीजिए। 9.1 में जो क्वेश्चन हैं सभी के सभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं जो हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद में जो 9.2 आएगा तो उसमें भी इनके जाएंगे और वो डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन 9.2 कब सोल्व हो पाएगा जब ये 9.1 आपको सही से आ जाएगा। इंटीग्रेशन में हर चैप्टर 9.1 9.2 ये जो है एक दूसरे पे बेस्ड है, अगर पहले वाले आपने क्वेश्चन सोल्व नहीं किए हैं तो आगे वाले क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो पाएंगे। तो आप सीरियसली इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार निकालिए, एक बार फॉर्मूले लर्न करने में आपको हो सकता है प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे ही फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।